हाँ जी बल्लेबाज फटाफट आ जाएंगे फील्ड पे, जरा मजा ले लेते थे फाइनल का। बैट्समैन नेम तो आपके सामने हाजिर है दोनों बल्लेबाज जिनका नाम है गिरीश और प्रदीप। जरा जल्दी कीजिए प्लीज, समय का सदुपयोग करिए, मानी घर जानो यार फटाफट। फाइनल की पहली बॉल आपके सामने आने वाली है, बॉलर नेम विक्सा और ये बॉल पकड़ ली गई है पहले रन के लिए। दोनों बल्लेबाज दौड़े हैं बहुत तगड़ी तरीके से, वेल डन वेल डन, तालियां तो बजाओ यार, तालियां बजती रहनी चाहिए। बल्लेबाज चक्कों पे चक्के मारते रहेगा तभी तो आएगा मजा। मारवाड़ी हो यार, लाठा रियो ये वाइड वाइड, अंपायर का इशारा वाइड। अंपायर कृपया जरा गौर से देखिए क्योंकि कहीं वाइड को आप स्लो बॉल ना दे दो। हाँ समझ गया। ये ओवर की तीसरी बॉल आपके सामने और ये भी वाइड है। दोनों बॉल दोनों लगातार वाइड, कैसे चलेगा भैया कैसे चलेगा। ये तीसरी बॉल सॉरी दूसरी बॉल और ये भी कोई लायक नहीं। और ये तगड़ा शॉट मारा है लेकिन फील्डिंग तगड़ी है उसके कारण बॉल बाहर नहीं जा पाएगी। बहुत बढ़िया, बैट्समैन हूं लीजो अगले ओवर में ने तीन छक्का लगातार कोई तीन मार लीदा 1001 रुपयो। तो फटाफट बॉल रो उपयोग करो और मारो बाउंड्री रेखा बाहर। अरे यार यूं करो तो कई वे हेलो मदन कुमावत के तरफ से है लगातार तीन बॉलों पे तीन छक्के 1100 रुपए। हेलो हेलो थैंक यू। तो यहाँ पर फाइनल में सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, सबको वेलकम। और इस फाइनल के जरिए दो टीम आपस में लड़ रही है। यहाँ पर देखेंगे जो गोरेगांव से टीम आ चुकी है, यहाँ पर हमारे पूरे राजस्थान का अभिमान रहेगा। ये राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 मुंबई महाराष्ट्र आरपीएल रहेगा इस बार। अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड के दिशा में वहां पर मन्नु, बहुत ही बढ़िया शानदार चार रन। वीर आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में और मन्नु के बैटिंग के बारे में? देखिए खेलने जा रहे हैं तो अच्छी खेल रहे हैं लेकिन अगर लगातार अच्छे चौके छक्के मारेंगे तो टीम को जीता सकते हैं। बहुत बढ़िया शानदार प्लेयर है। बैटिंग करते समय उनकी टीम ने अब तक अभी एक भी मैच लॉस नहीं हुए। ऐसी टीम के सामने खेल रहे हैं, दोनों टीम विजेते टीम से, और उनके सामने आप क्या बोलना चाहोगे? गोलंदाज गेंदबाजी के लिए देखे तो मोहन एक तेज सर्रार अच्छे गेंदबाज है।
देखिए प्रशांत भाई, फिलहाल तो बॉलिंग बहुत ही तगड़ी हो रही है, फील्डिंग भी बहुत ही बढ़िया है, और देखा जाए तो बैट्समैन भी दोनों बहुत अच्छी तरह से खेल पा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो 5 ओवर का गेम बाकी है। और ये सिंगल के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पर प्राइज है, जो खिलाड़ी अभी प्राइज बढ़ने वाला है, फाइनल मैच है, फाइनल में प्राइज द गोल्डन मामा, गोल्डन किंग गोरख मामा इनके तरफ से फाइनल में मैच प्राइज रहेगा 9,556 रुपए। ये पहला विकेट पतन होते पहला हुए विकेट मोहन की तरफ से पहला विकेट मोहन सिंह मोनसा ने लिया है, बहुत ही बढ़िया। अच्छी गेंदबाजी। और यहाँ पर प्राइज रहेगा जिस जो भी खिलाड़ी घुटना टेक के यहाँ पर लगातार 3 छक्के मारेगा उस खिलाड़ी को यहाँ पर फाइनल मैच के लिए 9,556 रुपए का प्राइज दिया जाएगा, कैश प्राइज रहेगा इसका सभी खिलाड़ियों को। प्रशांत आपको क्या लगता है कि कौन खेल पाएगा ये इस मैच में? देखा जाए तो दोनों टीम्स बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, सुबह से एक भी मैच नो लॉस ये दोनों टीम अभी फाइनल में खेल रहे हैं। और उनके सामने देखा जाए तो अच्छी अच्छी टीम्स यहाँ पर लॉस हो गई है, दो टीम्स फाइनल में पहुंच चुके हैं। फाइनल में कोई तो एक ही टीम जीत मिला सकती है, पर इस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज कौन रहने वाला है इसकी भी आतुरता सबको रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार स्विच इट करने का प्रयास, जिस गेंदबाज की गेंदबाजी की तारीफ हम कर रहे हैं, जो सब पूरे राजस्थान राज्य को बिलोंग करते हुए एक बेहतरीन बड़ा गेंदबाज है, उसके सामने अब ऐसी प्रकार की बैटिंग करोगे तो किधर तो आपको पराभूत्व। अभी 5 बोले हुई है, 5 बोले हुई है, एक गेंद बाकी है, 5 है। जैसे आपकी मर्जी, आ जाओ इधर आ जाओ प्लीज। कृपया जल्दी करने की कोशिश करें प्लीज। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फाइनल का मैच है, अभी टाइम बहुत हो चुका है। यहाँ पर मोहन आपको बताया जा रहा है, पहली बॉल पे एक सिंगल लिया, दूसरी बॉल पे विकेट, तीसरी बॉल पे सिंगल, चौथी बॉल पे सिंगल, पांचवी बॉल पे डॉट बॉल और अभी एक सिंगल। ओवर समाप्त, थैंक यू, सॉरी अने प्लीज चलो मैच को शुरू करें प्लीज। थोड़ा जल्दी करा रही कोशिश कर जो, क्योंकि हाँ जो यहाँ पर अच्छा बोला दिखेला नहीं, देख लो मेहमान आई गया अपने नवा।
मंगल सा दूर मत भागो। कृपया जल्दी कराने की कोशिश करें। गोल्डमैन पीछे है, देख लीजिए अभी। गोरख मम्मा इनकी तरफ से भी ये प्राइज रहेगा 9,556 रुपए का प्राइज रहेगा। जो खिलाड़ी घुटना टेक लगातार 3 सिक्सर मैदान के अंदर लगाएगा उस खिलाड़ी को 9,556 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। आप रे हामी है बॉलर विक्सा, ये ना कि दूसरा ओवर ही पहली बॉल। यहाँ पर गिरीश के लिए गेंद थी। गिरीश की बैटिंग के बारे में क्या बोलना चाहोगे? गिरीश की गेंदबाजी, गिरीश की बैटिंग देखे तो बल्लेबाजी बहुत बढ़िया तरीके से कैसे सुबह से तीन मैच खेल चुके, तीनों मैच में मैन ऑफ द मैच लिया है। गिरीश के बारे में क्या कहोगे वीर जी? देखिए प्रशांत दा, बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है उनकी वैसे तो, बट फाइनल है, फाइनल में प्रेशर है और फाइनल खेलते हुए तुमको बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। देखिए प्रशांत दा इस बीच और एक और मेहमान आ गए हमारे बीच, ब्लैक कोबरा फिर से एक बार व्हाइट बॉल। एक मिनट सामना था, फील्डर कृपया ध्यान दीजिए, बाहर कीजिए उनको फटाफट। वो भी मैच का आनंद लेते हुए वो आज आ गए ना मैच देखने के लिए। कृपया फटाफट करने की कोशिश करें क्योंकि अंधेरा होने वाला है। इस बार फिर से एक बार हुक करने का प्रयास वहां पर शॉर्ट थर्ड में पॉइंट पे वहां पर अच्छा और ये विकेट का पकड़ते हुए बहुत ही बढ़िया। जिस खिलाड़ी ने सुबह से आज पूरे दिन में मैदान में हंगामा मचाया था उस खिलाड़ी को वहां पर जाना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा पेवलियन की तरफ। गिरीश बैक टू द पेवलियन डीजे। और अबे अपना हमी है बाहुबली, जोरदार तालियां, रुकनी नहीं चीजें। और ये रेडी है लेकिन ये भी चूक गए। फिर से एक बार डॉट बॉल देखने को मिलेगी। यहाँ पर बड़े हिट्स खेलने के दौरान आप डॉट बॉल मैदान के अंदर बार बार खेल रहे हैं जी बिल्कुल, जहाँ पर आप एक अच्छे टीम के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उधर आप 5 गेंदों का खेल समाप्त हो गए स्कोर कार्ड पे 16 रन्स। दूसरा ओवर तीसरा ओवर प्रगति पे इस बार और इस टूर्नामेंट का इरादो मोटो तो छक्का मारवारो लेकिन मारे होगो नहीं। मैच की गति बढ़ाओ थोड़ी फास्ट फास्ट इस मैच में। इस ओवर का 16 रन स्कोर कार्ड 16 पे 2 पे 16। ये गति रखोगे तो मुझे कल्याण भी पहुंचना है, जरा जल्दी कीजिए।
इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी नहीं है चौके की तरफ। और अंकित के सर से ऊपर ऊपर से गेंद जाती हुई सीधे, बहुत ही तगड़ा चौका। जोधराज गेंदबाजी के लिए, जोधराज रहेंगे गेंदबाजी के लिए। 20 रन स्कोर कार्ड पे। इस बार फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी, यहाँ पर एक रन लिया, दूसरा रन लेने की प्रयास वहां पे। ओहो हो हो, अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन दिखता हुआ, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की जा रही है। और प्रकाश बाहुबली, बाहुबली जो मैदान के अंदर बैटिंग के लिए हम देख रहे हैं, पिछले मैच में भी दो छक्के जड़ गए थे। यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, फिर से एक बार वाइट बॉल, अंपायर का डिसीजन आता हुआ, अंपायर का इशारा, अंपायर हमारे तरफ मुड़ रहे, वहाँ पर वाइट का इशारा आएगा। इस बार फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बैट के ऊपर परफेक्ट, यहाँ पर बैट पे गेंद नहीं आ रही है, उसके वजह से जब हम देख रहे हैं कि बार बार बड़े स्ट्रोक खेलने पर दिक्कत हो रही है। क्या कहोगे वीर जी? प्रशांत आपको क्या लगता है, इस ओवर में बड़ा हिट आएगा? इस ओवर में बड़ा हिट, दोनों बड़े खिलाड़ी मैदान के अंदर मौजूद है। क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट को बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह मैच बदलना, गिरगिट की तरह मैच बदल जाता है। पहले ओवर में देखा तो अच्छी बैटिंग, ये भी वाइड बॉल है। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस शाम किसके नाम, आज की शाम किसके नाम, किसके नाम होगी ये शाम, आज की पूरी पूरा दिन यहाँ पर मेहनत करते हैं। इस बार बड़ा स्ट्रोक हुक कर दिया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, यहाँ पर स्टैंड एंड डिलीवर, चेंडू को भेज दिया, गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के, बेहतरीन छक्का बैट्समैन के द्वारा, 6 रन। इकतीस पे 31 पे दो। गिरीश और प्रदीप मन्नू पैवलियन में लौट चुके हैं और मैदान के अंदर पूरा मुकेश गेंदबाजी पे। बाहुबली ऑन स्ट्राइक, 5 ओवर की पहली बॉल, और ये मारा है बहुत ही तगड़ा छक्का, सड़क पे कड़क। यहाँ तो पर देखा जाए तो बहुत बड़ा लंबा बाहुबली सिक्सर, यानी ये बॉल डबल तो सिक्स मैदान के अंदर दिखाई जा रहा है बाहुबली के बैट से। प्रशांत ये बॉल तो वड़ा पाव खाने के लिए गई लगता है, ये बॉल वड़ा पाव खाने के लिए जरूर गई है, पर फिर वड़ा पाव वाले काका मामा हमारे देवेश वड़ा पाव सेंटर के सर्वे सर्वा ओनर, उनकी तरफ से यहाँ पर 9,556 रुपए का प्राइज है। जो खिलाड़ी घुटना टेक के यहाँ पर 3 सिक्सर खेलेंगे। बैट तो तगड़ा उठाया था लेकिन इस बार 37 रन स्कोर कार्ड पे दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। ओवर की तीसरी बॉल, इस बार फिर से एक बार हाफ ट्रैकर बॉल, उसको भेज दिया तारामंडल में छक्का, ये बॉल भी बाउंड्री रेखा के बाहर, बेहतरीन बड़ा स्ट्रोक और एक सिक्सर डीजे। आपका भी ओवर की चौथी बॉल, और ये इस बार अतिरिक्त
गेंद यहाँ पर इनलीगल डिलीवरी मैदान के अंदर 44 रन। प्रशांत आपको क्या लगता है आज दिन तक अभी एक फाइटिंग स्कोर मैदान के अंदर खड़ा हो गया है। अभी देखा जाए तो दोनों टीम स्टेबल रहेगी। इस बार एक रन लिया है, दूसरे रन का कोशिश रन्स स्कोर कार्ड पे 4.4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑन पे, यहाँ पर अंकित रहेंगे। अंकित कोई गलती नहीं करेंगे, वहां पर एक सिंगल मिलेगा, एक सिंगल से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। एक फाइटिंग स्कोर मैदान के अंदर अभी देखा जाएगा आपको इस टीम के जरिए। इस इनिंग का लास्ट की गेंद, इस इनिंग की आखिरी गेंद, आखिरी गेंद ये आपके सामने। इस बार फिर से रुक कर दिया, गेंद को भेज दिया सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, आउट ऑफ द पार्क सिक्सर। एक बिग 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 हिट। इतने दिन आपने बाहुबली को देखा था फिल्मों में, आज है असली मैदान में जोरदार तालियों के साथ। मुख्य अतिथि धन सिंह जी, इनका भी इस टूर्नामेंट के जरिए यहाँ पर आगमन हुआ है। सर आपका भी यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपको विनती है आप प्लीज स्टेज पर आ जाइएगा। इस टूर्नामेंट के जरिए आप भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत सत्कार भी करेंगे। दलपत सिंह, दलपत सिंह मैं आपको विनती करता हूँ सर आप आ जाओ यहाँ पर। इस टूर्नामेंट के जरिए आप यहाँ पर आ गए, दलपत सिंह उनका स्वागत सम्मान भी करेंगे। इस टूर्नामेंट के जरिए आप यहाँ पर आ गए, प्रमुख अतिथि है हमारे। लाइव विनंती, कैमरामैन फोकस करो। एक ट्रेंड है इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम पे हमको एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड दिखाई देगा, कैमरामैन फोकस करो। और कैमरामैन यहाँ पर हमारे रुद्रशिव ज्वेलर्स धनशिया जी सोलंकी, यही साहब याद पर आ चुके हैं इनकी तरह, उनका ही शॉल। दलपत सिंह उनका सम्मान करेंगे यहाँ पर इस प्रतियोगिता के दौरान, वो भी यहाँ पर जुड़ गए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। चलो फील्डिंग लगा लो, फील्डिंग लावाइची लवकर अत लवकर, समय नहीं है हमारे पास, जल्दी उतरिए प्लीज। 52 रन्स स्कोर कार्ड पे जुड़े, 53 रन्स टारगेट रहेगा जीतने के लिए। दलपत सिंह जीत के लिए 53 रनों की जरूरत, 5 ओवर और पहले ओपनिंग करते हुए अंकित भाई और मोहन भाई। और एक ही ओवर में बाहुबली प्रकाश ने 3 छक्के जड़कर अपनी टीम को एक फाइटिंग स्कोर पर खड़ा कर दिया। अच्छी बैटिंग उसके जरिए दिखाई दिया, यहाँ पर न्यू बैटिंग अभी दूसरे इनिंग को शुरुआत होगी। यहाँ पर हम देखे जाएंगे, एक तरफ रहेंगे अंकित जर्सी नंबर 16, दूसरे तरफ रहेंगे जर्सी नंबर 3311 मोहन, डबल 3 डबल 1। और इधर मैन ऑफ द महाराणा वॉरियर्स के लिए 30 गेंदों में 53 रन, 30 गेंदे 53 रनों की जरूरत यहाँ पर रहेगी जीतने के लिए। बिल्कुल प्रशांत, चलो चलो जरा गई करिए प्लीज। टाइम बहुत हो चुका है सामने वाली टीम को, जैसे उन्होंने आपके लिए खेला वैसे ही प्लीज आप भी उनके लिए खेलो फटाफट, उनको भी बॉल दिखनी चाहिए, वो भी लंबे लंबे छक्के मारे।
गिरीश गेंदबाजी पे और ये सीधा प्रदीप गेंद को रोकना चाहते पर गेंद हालांकि यहाँ पर दो रनों के लिए देखना चाहेंगे। दो रन से स्कोर कार्ड पे श्री गणेश होता हुआ हमारे धर्म में हिंदू धर्म में गणपति बाप्पा को नमन करके सभी कार्यों को शुरुआत की जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फाइनल की मैच है, फाइनल की दूसरी ओवर यहाँ पर दूसरी इनिंग यहाँ पर शुरू होती हुई और स्कोर कार्ड पे स्कोर दो गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। तीन रन स्कोर कार्ड पे इस बार झड़पाती हुई गेंद क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र। इस गेंद के लिए इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट में हम बुमराह जसप्रीत बुमराह को जाने जाते हैं। ये बड़ा हिट ये जाएगी सीधा। ओहो बहुत बड़े अच्छे एफर्ट्स उधर दिए थे पर गेंद हालांकि खिलाड़ी के मस्तक पे दस्तक गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार षटकार। गेंद बनी है दर्शक दीर्घा कमांडो फिर से हाजिर होते हुए हमारे बीच में। कृपया ध्यान दे आराम से। पिछली बॉल पे बहुत ही शानदार चक्का गया था प्रशांत। आपको क्या लगता है मैच किस ओर जा रहा है? दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम ले रहे इरादे स्पष्ट किए। फाइनल की मैच हम देख रहे हैं मोटी वहां पर सब गणेश जी जर्सी नंबर दिखा रहे हमको। गणेश जी भी हमारे स्क्रीन पर हमको दिखाई दे रहे। आपको भी कैप्चर किया जाएगा और शाम को आप भी आपको खुद को देख सकते हो यूट्यूब के जरिए। यहाँ पर हमारी SMD टीम शॉट तो तगड़ा था। ये दीपेक्षा कवर को बाहुबली दौड़ेंगे पर हालांकि गेंद जा चुकी जा रही है के बाहर। बहुत ही शानदार चौका एक बेहतरीन बड़ा चौका। तेरह रन पे एक ओवर समाप्त होते हुए दूसरे ओवर की पहली गेंद जल्दी आपके स्क्रीन पर। मैच का रोमांस थोड़ा बढ़ता हुआ है। प्लेयर बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉल को कैच करके मैच को लैच कर रहे हैं। गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर की पहली बॉल आशीष गेंदबाजी के लिए आशीष आते हुए इस मैच सेमीफाइनल फाइनल में हम उस खिलाड़ी को देख रहे हैं। एक बेहतरीन बड़ी गेंदबाजी आपको चोट लगने के बावजूद भी वो मैदान के अंदर अपने टीम के लिए खेल रहा है। ये क्रिकेट है और क्रिकेट दीवानों का खेल है। क्रिकेट और क्रिकेट खेलने के लिए तुमको पूरा दीवाना होना चाहिए और वही खेल मैदान के अंदर दिख रहा है। खिलाड़ी के आँख को गेंद लगा फिर भी वो मैदान के अंदर खेल रहा है। सामने गोरेगांव तो उसके सामने भी दीवा के दीवाने जरूर है। इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास वहां पर खिलाड़ी नहीं है राहुल शर्मा। वहां पर लंगन से गेंद कवर करते हुए वहां पर एक सिंगल आएगा। सिंगल से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन टू ऑन स्कोर कार्ड। यहाँ पर विक्रम जी भी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े है 12th मैन के जरिए। और इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास वहां पर क्या होगा देखा जाएगा। अंपायर डिसीजन व्हाइट बॉल अंपायर डिसीजन ऑन फाइनल एंड लास्ट। ये थर्ड अंपायर की तरफ थर्ड अंपायर
ये वाइड बॉल है। अंपायर तुमचा निर्णय काय आहे? रिव्यू थर्ड अंपायर चा इशारा पंचांचा आहे का? अंपायर तुम थर्ड अंपायर का इशारा कर रहे हो? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अंपायर का कहना है कि वाइड बॉल है, तो थर्ड अंपायर है, थर्ड अंपायर कोई नहीं अभी। अंपायर का कहना है कि उनकी तरफ से वाइड बॉल है। हेलो ऑर्गेनाइजर टीम, आप जा सकते हो वहां पर, देखिए क्या, क्योंकि वाइट के लिए रिव्यू मैं पहली बार देख रहा हूं। फील्ड अंपायर दोनों अपनी सहमति से बनाए रखे। अंपायर आप खुद आ जाएगा क्योंकि वहां पर थर्ड अंपायर नहीं है। आप सभी को मालूम है अंपायर का लास्ट डिसीजन होता है। देखिए ऐसे समय का आप अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो बल्लेबाजी टीम को बहुत ही महंगा गिरेगा ये। प्रशांत आपने कभी देखा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वाइड का रिव्यू लिया गया है? इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल में लेग वाइज के लिए भी रिव्यू लेते और ये टूर्नामेंट हम देखेंगे तो लीगल डिलीवरी है, बॉल रहेगा, डॉट बॉल रहेगा। चलो फटाफट जल्दी से और प्लीज थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा क्योंकि सूरज ढलता जा रहा है और अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अंधेरे में आपको खेलने में तकलीफ होगी। बैटिंग टीम आप कृपया प्लीज। बिल्कुल फील्ड अंपायर कृपया इस डिसीजन और अंपायर इसके बाद जो ऑन फील्ड डिसीजन होगा वो फाइनल एंड लास्ट होगा। थर्ड अंपायर का इशारा मत कीजिए प्लीज। 16 नो लॉस। दूसरे ओवर की चौथी बॉल इस बार फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी पर अंपायर हमारे यहाँ इनलीगल डिलीवरी व्हाइट बॉल इसे कहा जाता है। ये क्रिकेट में इस गेंद को ग्राह्य 17 रन्स। ओवर की चौथी बॉल फिर से इस बार हुक कर दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद जाएगी लकी के सर के ऊपर से चार रनों के लिए चौका। बहुत ही शानदार, जब तक लकी दौड़े तब तक बॉल बाहर। उडीजे मामांकडनं पारितोषिक कायम आहे। यहाँ पर सिक्स के लिए चार बॉल हुआ है, चार गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 21 रन स्कोर कार्ड पे। फाइनल के मैच में अभी जो खिलाड़ी बैटिंग कर रही है उनके लिए एक बोनस है और वो बोनस ऐसा रहेगा कि जो खिलाड़ी घुटना टेक के एक लंबा छक्का दिखाएगा उस खिलाड़ी को 1111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस बार बाहुबली और विकेट का पतन। मामा अर्थात गोरख मामा देवेश वड़ापाव सेंटर चे सर्वे सर्वा ओनर यांच्याकडे हे प्राइज दिले जाईल। एक षटकार जो घुटना टेकून म्हणजे गुडघा टेकून खेळला जाईल त्या षटकारासाठी 1111 रुपयांचं कॅश प्राइज दिले जाईल। थँक्यू। बहुत ही शानदार अपील की है मामा ने गोल्डन मैन। जो बैट्समैन घुटना टेक के एक बॉल पे छक्का मारेगा उसे मामा की तरफ से 1111 रुपए तालियां बजनी चाहिए। गोल्डन मैन ने
और घुटना टेक के दो तीन लागोपाट तीन लगातार चौकार जो खिलाड़ी जो तीन लगातार बाउंड्री मारेगा उस खिलाड़ी को 1111 रुपए का इनाम। गोरख मामा इनके तरफ से देवेश वड़ापाव सेंटर के सर्वे सर्वा ओनर द गोल्डन मैन गोरख मामा यारिकेने एक छक्का जो खिलाड़ी एक घुटना टेक के छक्का मारेगा उस खिलाड़ी को 1111 स्कोर कार्ड पे स्कोर देखेंगे हम 22 रन्स। लास्ट बॉल पे क्या है आहा तो 22 रन्स आपका 12th मैन यहाँ पर नहीं है फाइनल है 22 रन्स ऑन स्कोर कार्ड। चलो प्लीज गाई कर दिए पहले अपने 12th मैन को पहले ओवर में 13 रन आए दूसरे ओवर में 8 रन आए लास्ट ओवर में 9 रन आए। थैंक यू बाईस इस बार गिरीश की ये गेंद तेज सर्रार दो खिलाड़ी को चकमा देते हुए गेंद जाती सीमा रेखा पार चौका। गोविंद सिंह इनकी तरफ से यहाँ पर प्राइज लग प्राइज दिया जा रहा है जो खिलाड़ी दो लगातार छक्के मारेगा उनको 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गोविंद सिंह की तरफ से यहाँ पर रहेगा जी हाँ लगातार दो चौके और घर ले जाइए 500 की नोट। इस बार हुक कर दिया गेंद को भेज दिया है तारा मंडल में लंबा सिक्सर बैट्समैन मोहन की बैट से निकलता हुआ 33 रन ऑन स्कोर कार्ड 3311 क्या मारा है छक्का वाह वाह। हालांकि तीसरा ओवर स्कोर कार्ड पे यहाँ पर बड़ा हिट करने का प्रयास वहां पर एक सिंगल लेते हुए स्कोर कार्ड 34 रन एक विकेट के पतन पर बहुत ही शानदार। हेलो 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 इस बार फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां पर रनों की जरूरत रहेगी यहाँ पर फिर से एक बार रन टॉन स्कोर कार्ड 12 गेंदे और 17 रनों की जरूरत जीतने के लिए 12 गेंदे 17 52 टारगेट रहेगा यहाँ पर जो खिलाड़ी घुटना टेक के एक लंबा सिक्सर दिखाएगा जो खिलाड़ी रिवर्सिप का षटकार स्विच हिट षटकार खेलेगा मोहन भाई सुन रहे हो ना उसको 1111 रुपए का इनाम दिया जाएगा गोरख मामा की तरफ से
रिवर्स स्विच हिट, रिवर्स का सिक्सर जो खिलाड़ी खेलेगा उसको 1111 रुपए का इनाम। इस बार बड़ा शो खेलने का प्रयास यहाँ पर, बहुत ही शानदार चौका, हालांकि गेंद मोहन भाई के बाउंड्री लाइन के। इस बार मोहन के लिए प्राइज है, मोहन जी ने इस गेंद पे, इस आती हुई गेंद पे जब छक्का लगाया, इस गेंद पे छक्का लगाया तो 500 रुपए का इनाम गोरख मामा इनके तरफ से रहेगा। देवेश वड़ापाव सेंटर के सर्वे सर्वा है द गोल्डन मैन, वो पूरे दीवार डोंबिवली गांव के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, लगता सारा गोल्डन मैन हमको दिखाई देंगे यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स में, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हो यहाँ पर 500 रुपए का इनाम इस छक्के के लिए पर हुक गया। यहाँ पर फिर से एक बार दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42, अभी भी 11 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, 11 रनों की जरूरत, 10 बॉल में 11 रन की जरूरत, बहुत ही शानदार बैटिंग हो रही है। फिर से एक बार बड़ा हिट करने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है राहुल शर्मा, रे राहुल की अच्छी फील्डिंग वहां पर दिखाई देगी, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 9 गेंदों में 9 रन शेष, 9 गेंदों में 9 रनों की जरूरत, 9 बॉल्स 9 रन्स टू रिमेनिंग। इस बार फिर से एक बार बड़ा हिट करने का प्रयास, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, समीकरण कैलकुलेशन थोड़ा सा समीक आता हुआ, यहाँ पर डॉट बॉल 8 गेंदे बनाने हैं, 9 रन 9 रन 8 गेंदे 9 रन, गोरेगांव की दीवा की गोरेगांव, कहा जाएगा ये राजस्थान प्रीमियर लीग का पहला पर्व, पहला वर्ष, अगर गोरेगांव जीती तो गजबन को ले जाएगा यहाँ पर रनआउट की संभावना, और क्या वहां पर एक सिंगल मिलता हुआ, एक सिंगल से स्कोर आगे बढ़ेगा, स्कोर 45 रन स्कोर कार्ड पे, 45 रन 8 रनों की जरूरत रहेगी यहाँ पर, 8 बॉल में 8 रन 8 गेंदे 8 रनों की, सात गेंदे 8 रनों की जरूरत। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, वहां पर रनआउट की संभावना, वहां पर क्या हो रहा है, अंपायर ने वाइड दे दिया, गेंद हालांकि हाथ से छूट रही है और वाइड बॉल का इशारा, मैच में अभी भी जान है, मैच और में मैच है। थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल की बाहर खड़ी थी, अभी इमरजेंसी वार्ड में आ चुकी है और थोड़ी ही देर में आप मैच को आईसीयू में भी मंगल सिंह इनकी तरफ से व्हाइट बॉल रहेगी, सात गेंदे और 7 रनों की जरूरत, मंगल सिंह की तरफ से यहाँ पर प्राइज रहेगा, जो खिलाड़ी हेलीकॉप्टर सिक्सर ढोकेगा उस खिलाड़ी को 1111 रुपए का प्राइज, यहाँ पर गोल्डन मैन मामा की तरफ से भी प्राइज रहेगा, गोरख मामा जो हमारे यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है उनका भी हार्दिक स्वागत रहेगा इस पूरे राजस्थान प्रीमियर लीग में, मुंबई महाराष्ट्र श्री महाराणा क्रिकेट क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट, मुंबई महाराष्ट्र द्वारा ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया और उस टूर्नामेंट के जरिए यहाँ पर आए हुए सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत।
छह गेंदे सात रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए हम देख सकते हैं गेंदबाज का नाम यहाँ पर प्लीज बॉलर नेम मन्नू गेंदबाजी के लिए आते हुए इस खिलाड़ी ने बड़े बड़े मैचों में बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेंदबाजी और अच्छे अच्छे बैट्समैन को धूल चकाया है, पर अभी इस मैच में अपने पूरे शहर का पूरे गोरेगांव टीम का यहाँ पर स्वाभिमान का बात रहेगा। यहाँ पर मन्नू प्रदीप गेंदबाजी के लिए। प्रशांत आपको क्या लगता है मैच किस ओर जा रहा है? इस बार पहली गेंद पे चढ़ दिया फुल टॉस, वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गेंद जाती हुई हालांकि बाउंड्री लाइन के बाहर चौकार। ज्वेलर्स दीवा के जरिए यहां पर प्राइज है, अभी छक्का मोहन ने लगाया तो 1111 रुपए का प्राइज यहां पर। एक बार जोरदार तालियां बजे है दोनों खिलाड़ियों के लिए और यहां पर अंपायर और मैच गिरगिट की तरह मैच रंग बदलने लगा है। अभी मैच में आ गया है एक और ट्विस्ट। फाइन यहां पर अंपायर डिसीजन रिव्यू। बैटिंग टीम कोई अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ अंपायर यहां पर आएंगे। अंपायर आप खुद जाके देखिए। बैट्समैन आउट है और मोहन को जाना पड़ेगा यहाँ पर पैवलियन की तरफ और यहाँ पर हम देख सकते हो मोहन बाद हो चुके हैं। यहाँ पर अभी छक्का, इस मैच को छक्के के जरिए जो खिलाड़ी समाप्त करेगा उस खिलाड़ी को 2100 रुपए का प्राइस दिया जाएगा साजन ज्वेलर्स दीवा इनकी तरफ से। एक बार जोरदार तालियों से दोनों टीम का स्वागत किया और एक रिवर्स शिप के सिक्स के लिए यहाँ पर हमारे मामा अर्थात विकेट का पतन होता हुआ और देखा जाए चार गेंदे और तीन रन की जरूरत चार गेंदे देखना चाहेंगे गोरेगांव की दीवा की गोरेगांव। थोड़े टाइम पहले मैच हॉस्पिटल के बाहर थी, अभी इमरजेंसी वार्ड में आ चुकी है। आईसीयू में कब जाएगी वो किसको पता नहीं है। गिरगिट क्रिकेट को गिरगिट ऐसा दूसरा नाम भी है, क्रिकेट को रंग बदलने वाला गिरगिट भी कहा जाता है। यहाँ पर देखना चाहोगे फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ, वहां पर देखेंगे चार गेंदे शेष है, बनाने हैं केवल तीन रन, परंतु यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा टीम होगा। चलो थोड़ा सा फास्ट कीजिए प्लीज, बहुत टाइम ले रहे हो आप। चार गेंदे तीन रनों की जरूरत और यहाँ पर फिर से एक बार अंपायर और अंपायर की उंगली घड़ी और बैट्समैन को जाना पड़ेगा मंगल बैक टू द पिवलियन और एक विकेट का पतन होता हुआ।
यू थैंक यू, थैंक यू डीजे, थैंक यू वेरी मच। जो खिलाड़ी यहाँ पर षटकार छक्का मार के मैच को जीताएगा उस खिलाड़ी को हमारे गोरख मामा की तरफ से 500 रुपए का इनाम रहेगा और साजन ज्वेलर्स दीवा इनकी तरफ से 2100 रुपए का प्राइज यहाँ पर रहेगा। जो खिलाड़ी फाइनल मैच में इस गेंद को 6 रनों के साथ समाप्त कर दिया तो साजन ज्वेलर्स के तरफ से 2100 रुपए का प्राइज। चलो दोनों टीम्स के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। पैसा वसूल मैच दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोनों टीम्स की तरह अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर हो चुकी है। अभी तक पूरा पढ़ाई तो पूरी हो गई, अभी फाइनल का एग्जाम है और एग्जाम में तुम क्या कर रहे हो। इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास नहीं था, वहां पर एक रन लिया, बाहुबली दौड़ रहे, एक दो दूसरी भी कंप्लीट हो गई, तीसरी के लिए दौड़ कर दी और यहाँ पर क्या होगा, बैट्समैन आउट। थैंक यू जोधपुर जोधराज बैटिंग के लिए जाते हुए। दो गेंदे एक रनों की जरूरत, एक रन दो गेंदे एक रन। जो खिलाड़ी अंदर जाएगा, बैटिंग करने वाली टीम महाराणा, खिलाड़ी अंदर गया दो रनों की पेनल्टी लग जाएगी। मैच होने के बाद मैच फिनिश होगा, अंपायर डिसीजन बताएंगे, उसके बाद आप अंदर जाओगे। इस बार फिर से एक बार बैट्समैन होगा आउट और जोधराज को जाना पड़ेगा पेवलिंग की तरफ। और एक खिलाड़ी, एक गेंदे एक रन। आयोजक कमेटी यहाँ पर हमारे से संपर्क कीजिएगा। दलपत सिंह कहाँ पे, दलपत सिंह दो गेंदे एक रन, विकेट रहेगा दो गेंदे एक रन, बॉल काउंट नहीं किया जाएगा। चला पंचांशी वाद घालू नका, अंपायर से कोई आउट है, बॉल काउंट केला जाणार नाही। बैट्समैन आउट है, अंपायर डिसीजन ऑन लास्ट। दो बार रिव्यू ले चुके मंगल, बार बार आप रिव्यू नहीं ले सकते हो। न्यू बैट्समैन जल्दी मैदान के अंदर भेजिए। न्यू बैट्समैन कौन है, पीयूष। न्यू बैट्समैन बैटिंग के लिए देखे जाएंगे। दो गेंदे एक रन। मंकी विकेट है यहाँ पर, आपको दो गेंदे एक रन। न्यू बैट्समैन पीयूष, चलो दो गेंदे एक रन दो गेंदे। मैच टाई हो गया तो क्या है, सुपर ओवर है या इस बार हल्के से हाथों से खेला है, रन आउट
और मैच 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 क्या हो रहा है इस मैच में। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टीम ने टॉस जीता है वो ही मैच जीते। हालांकि मैच बराबरी में। दलपत सिंह प्लीज यहाँ पर आए जो कमेडी यहाँ पर बताई गया क्या है डिसीजन। टॉस उड़ा जाएगा यहाँ पर। मैच बराबरी में छूट गया तो टॉस किया जाएगा। दोनों टीम में टॉस हो जाएगा। क्या है लास्ट फाइनल डिसीजन क्या है? डिसीजन क्या है प्लीज? सुपर ओवर। और किसी भी खिलाड़ी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आप अंदर जाओगे तो 2 रनों की पेनल्टी यहाँ पर लगने वाली है। कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर अंदर जाएगा तो 2 रनों की पेनल्टी लगने वाली है कंपलसरी। एक गेंद 1 रनों की जरूरत। एक गेंद 1 रन 1 रन। और सिक्सर सिक्स मारेगा। जो बैट्समैन ने सिक्स मारा तो गोविंद मामा की तरफ से 500 रुपए। यहां पर और मैच जीता हुआ महाराणा क्रिकेट क्लब महाराणा वॉरियर्स दीवा इस टूर्नामेंट को जीते हुए पहले वर्ष को जीते हुए